प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। पीपल का वृक्ष इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। यानी पीपल स्वयं कृष्ण का, वासुदेव भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो पीपल तो लगाएंगे ही, कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? किसी भी दिन सावन में पीपल का पौधा लगाया जा सकता है। वैसे सावन का बृहस्पति वार उत्तम होगा। घर में कभी भी पीपल का पौधा मत लगाइएगा। पार्क में या सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थान पर अगर आप पीपल का पौधा लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। पीपल का पौधा अगर आप लगाते हैं तो संतान संबंधी कैसी ही बाधा क्यों ना हो, संतान प्राप्ति की बाधा हो या संतान उन्नति की बाधा हो, वो बाधा दूर हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से सुबह सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल देते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं तो संतान दोष नष्ट होता है, घर में बीमारियां कभी नहीं रहती। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर आप धन को लेके पैसे पैसे को मोहताज हैं, यानी पैसे को लेके कष्ट बहुत ज्यादा है, तो हर शनिवार को सूर्योदय के पहले अपने घर से एक लोटा जल भर करके ले जाइए, पीपल के वृक्ष में डालिए और पीपल के वृक्ष की एक बार परिक्रमा करिए, आपको लाभ होगा। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो वो दुर्घटना का, एक्सीडेंट्स का शिकार नहीं होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में ये भी होगा कि हमारे घर में कभी कभी पीपल का पौधा छत पे निकल आता है, कभी दीवार में निकल आता है, क्या करना चाहिए? देखिए, उसे तोड़कर काटकर मत फेंकिए। अगर गमले में निकल आया है तो गमला सहित ले जाकर के पार्क वगैरह में रख दीजिए, वहां वो सेट हो जाएगा। और अगर छोटा है तो सावधानी से निकाल लीजिए और सावधानी से निकाल करके सड़क के किनारे, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए। लेकिन ऐसा भूल कर भी मत करिएगा कि आपके घर में पीपल का पौधा निकला और आपने उसे काट करके फेंक दिया। ऐसा करने के दुष्परिणाम आपके संतान के ऊपर पड़ सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।